भारत में सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से यानी कि किस काम से बनाए जाते हैं? दुकानदारी करके, कंपनी में ज्वाइन हो करके? असंभव नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। भारत में सबसे ज्यादा पैसे बनाए जाते हैं ट्रेडिंग करके। उससे भी ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर। ऐसे सीक्रेट्स जो मैं नहीं, एक 1600% पर ईयर रिटर्न रखने वाले ट्रेडर से मैं आप सबको आज के इस वीडियो में बताने वाला। ये लोग जनरली बताते हैं कि दिन के 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 10 करोड़ का प्रॉफिट यूं ही कर लेते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि भैया उनकी वीडियो देखने के बाद तुम्हें 10 रुपए का प्रॉफिट होगा या 15 रुपए का होगा, लेकिन इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जब तक तुम उनकी वीडियो देख रहे होगे ना, तब तक उन्हें अच्छा तगड़ा प्रॉफिट हो चुका होगा। क्योंकि भैया ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो है, महंगे महंगे एड्स चलेंगे, दौलत में अर्निंग होगी, चूतिया किसका करेगा? तुम्हारा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स की जो अगर ट्रेडर ना होकर के एक टेलर होते तो इंडिया बहुत आगे तक चले जाता, कम से कम इंडिया कपड़े तो बढ़िया बना लेता, अभी फुद्दू बना रहा है। ये लोग इतना पैसा ट्रेडिंग करके नहीं कमाते जितना कि ट्रेडिंग के बहाने लोगों को फुद्दू बनाकर यानी कि अपने यूट्यूब चैनल से कमा लेते हैं। ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि सुबह 3 करोड़ यहाँ पड़े होते हैं, मैं इसे बाजार में डालता हूँ, मैं इसे ट्रेड करता हूँ और 3:30 बजे ये 3.5 करोड़ रुपए जो है वापस आ जाए। वाह दीपक सर वाह, क्या बिजनेस है, आपको तो मैं बिजनेस का गुरु मानता हूँ। ताऊ हम भी बैठेंगे यार, हमें भी थोड़ा टिप्स वगैरह दो, दादा परदादा की जमीन जायदाद बेचकर हम भी ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, लेकिन ताऊ लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन बता रहा हूँ मैं आपकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, 20 लाख तो प्रॉफिट होने ही चाहिए, नहीं हुए तो मैं आपकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। देखो दोस्तों, अगर सीखना है तो पैसा तो देना पड़ेगा, अगर सीखने के पैसे नहीं है तो भाई साहब आप फिर मतलब पूंजी जब है। लालच दिलाया आपने, अब आप बोल रहे हो कि हमें सीखने के लिए पैसे देने होंगे, कोर्स बाय करना होगा, और कीमत देने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम ट्रेडिंग सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, आपके 2-3 दिन में खुद के चैनल पर पॉडकास्ट वीडियो आ रहे हैं, फिर दूसरों के चैनल पर देख रहा हूँ आपको रोज, पूरा समय तो आपके इधर आने में, उधर जाने में, पॉडकास्ट में फेंकने में निकल जाते होंगे। बताओ आप ट्रेडिंग कितना समय करते होगे? उसने मेरे से 50,000 मांगे, मैंने उसे 50,000 दिए सिखाने के। किसी ने मेरे से 3 लाख रुपए भी मांगे, मैंने 5 लाख मांगे, मैंने 5 लाख दिए। किसी ने 1,000 मांगे, मैंने 1,000 दिए। ताओ यार, लेकिन हम तो किसी को 5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 10 लाख रुपए नहीं दे सकते, हमारी तो हैसियत ही नहीं है उतनी। मैं गरीब हूँ, हम तो कमाने आया था भैया, यहाँ पे स्कैम नहीं होना है हमको यार। इसने मुझे फ्री में सिखाया, उसके लिए मेरा आज तक दिल में। लेकिन ताओ अभी तो कुछ बोल रहे थे ना। देखो दोस्तों, अगर सीखना है तो पैसे तो देने होंगे बोलकर। बाय द वे इनका नाम है दीपक वधना, और ये भी अपने ट्रेडिंग से ज्यादा पॉडकास्ट में फेंकते फेंकते कमा लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका मेन इनकम सोर्स कौन सा होगा? ट्रेडिंग, कद्दू मेरा ट्रेडिंग। साले ट्रेडिंग में सब लोग लॉस खाकर बैठे हैं, 2-2, 3-3 करोड़ का। इनका मेन इनकम सोर्स है यूट्यूब चैनल, उसमें ही फेंकते फेंकते ये करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में करोड़ों में लॉस में जा रहे हैं। ट्रेडिंग में जितना आसान लॉस खाना नहीं होता, उससे ज्यादा आसान होता है ट्रेडिंग के लिए लोगों को मोटिवेट करना, भले ही उस चीज में खुद झंडा कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन मोटिवेट तो ऐसे करें जैसे संदीप महेश्वरी का। आप देखिए नॉर्मल दुकानदार क्या करता है, दुकानदार किसी से ब्रेड खरीद के लाता है, आपको बेचता है, बाय लो सेल हाई, 6 रुपए में ब्रेड का पैकेट खरीद के लाता है, आपको 10 रुपए में बेचता है। भाई उससे ज्यादा उस बंदे को आने जाने का पेट्रोल डीजल का खर्चा लग जाता है, किसी भी बंदे का ऐसा एग्जांपल मत दे, इतना खराब। और अगर सामान लाए उसमें से कोई एक्सपायर हो जाए तो उसका कॉस्ट तो उसको देना ही पड़ेगा ना भैया। या मेरा कोई भी सक्सेसफुल हुआ है कोई भी फील्ड में, वो ना कभी भी ये सोच के सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि मेरे साथ स्कैम हो गया तो क्या, वो स्कैम तो हर जगह होता है। हाँ भैया, स्कैम तो सभी जगह होना है, हर फील्ड में होना है। जब मुझे पता रहेगा कि उस फील्ड में स्कैम होना कॉमन सी बात है, तो मैं जानबूझकर क्यों घुसूंगा अपने पैसे वेस्ट करने के लिए। और चलो ऐसा सोच लेते हैं, एक बार स्कैम हो गया कोई बात नहीं, दूसरी बार में अपनी गलती सुधार लेंगे, ये सोचकर मैं जाता हूँ। फिर पता चलता है कि गलती सुधारने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, वो पैसे जिसको मैंने जिंदगी भर झंड मराकर इकट्ठे किए थे वो तो एक ही बार में चला गया पूरा। बट कबाड़ी वाला का माइंडसेट क्या होता है, उसको मिलता कचरा है, लेकिन वो क्या सोचता है कि अब ये कचरे में से मुझे ढूंढना है कि मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है। सो सेम चीज इफ यू आर एन ऑडियंस। इनको खुद का कोई एग्जांपल नहीं मिलता, कभी एग्जांपल देंगे अडानी का, कभी अंबानी का, कभी कचरे वाले, कभी दुकानदार का। अरे भैया कम से कम इन्हें तो चैन से जीने दो, और ऐसे कर करके इन्हें 1.5 लाख लोगों को लपेटे में ले लेना है आराम से। ने अगर 1,000 रुपए 76 में विप्रो में लगाए होंगे तो वो आज कितने होते, 700 से 800 करोड़। अरे चाचा इतना ही था, खुद लगा लेते, यहाँ पे 700 से 800 करोड़ लेकर बैठे होते तो कम से कम हमारा तो चुतिया नहीं काट रहे होते अभी। लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के टिप्स के भरोसे उड़ा देते। तो मैंने 10 से 15 हजार की SIP कर दो, जो कि लॉन्ग रन में प्रूवन है भाई। ज्ञान भी कौन ज्यादा देखो, जो ट्रेडिंग में खुद कुछ नहीं उखाड़ पाया, करोड़ों रुपए के लॉस में चल रहा है, और कोई बंदा इनको क्रिटिसाइज करे तो भैया ये फेक स्ट्राइक मरवाते हैं। इनका नाम है अभिषेक कर, वीडियो इनके ऊपर बहुत सारी बन रहा है, तो इनको ना जलन हो रही है थोड़ी। ये वो व्यक्ति हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा एकमात्र ऐसे बिजनेसमैन। इनका एक खासियत है, ये किसी भी का नाम नहीं लेते, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी के बगैर इनका घर तो चलने वाला है नहीं, इनको स्टोरी सुनाना तो जरूरी है। ये किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन थंबनेल में इतना बड़ा फोटो चिपकाता है कि आराम से पता चल जाता है कि किसके बारे में बात कर रहा है। वीडियो में किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन टाइटल में एकदम बोल्ड अक्षर में लिखेगा मुकेश अंबानी। और भाई साहब ज्ञान ऐसा देते हैं, ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी से बड़ा बिजनेसमैन तो ये खुद ही है।
क्या डिफरेंस होगा एक ट्रेडर जो रेगुलरली मेडिटेट करता है वर्सेस एक ट्रेडर जो मेडिटेट नहीं करता, डिफरेंस कहाँ? तुम अगर रेगुलर मेडिटेट करते ना तो तुम्हें यहाँ पे इससे पूछना नहीं पड़ता, ना हमको जनवाना पड़ता। स्टॉक मार्केट का गेम है और यहाँ लोगों को लगता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे हिसाब से नहीं। इस वाले वीडियो को लिखते समय में जितना उलझ गया था ना उतना स्टॉक मार्केट में भी कोई शायद ही बंदा। ये लोग बोलते हैं कुछ ऐसा वैसा जैसे कि इन्होंने इस फील्ड में महारत हासिल कर लिया है। इनके ऐसे वीडियोस को देख करके लोगों को लगता है इंक्लूडिंग मी बहुत पैसा कमाते होंगे ट्रेडिंग करके, चलो यार हम भी ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ससुरा बात आती है कि ट्रेडिंग सीखेंगे कैसे, यूट्यूब पे तो खाली 30% का ही माल मिलता है। आओ के पॉडकास्ट में जाकर के देख लेना भैया, इन्होंने खुद बताया हमें कोर्स लेना पड़ेगा 3-4 लाख रुपए का दे करके, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि हम उस कोर्स से सीख जाएंगे। लेकिन इस बात की 100% नहीं, 99% तो गारंटी है कि पहली बार में स्कैम हो जाएगा। मतलब कि भैया बात एक ही है, कोर्स ऐसे स्कैम हो जा उसके बाद ट्रेडिंग करके लॉस हो जा, एक ही बात है। देखिए ट्रेडिंग जो मिनिमम मैं लोगों से कहता हूँ, अगर 10 लाख रुपए नहीं है तो भाई ट्रेडिंग मत करो। 10 लाख रुपए कोठे में नाच के कमाऊंगा मैं? इनका सिस्टम ही अलग है। पहले कोई बोलता है कि 1000 रुपए में शुरू करो, कोई बोलता है 10,000 रुपए से शुरू करो, कोई बोलता है 1 लाख रुपए से शुरू करो, कोई मानचंद बोलता है 10 लाख रुपए से शुरू करो, और ट्रेडिंग करते 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 10 करोड़ के नुकसान में चले जाओ। हम लोग इस मंथ का भी एक काम करूंगा, हम लोग वेरीफाइड पीएनएल शेयर करेंगे और सिर्फ इस मंथ का, और अभी तक 20 दिन का प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। जबरदस्त 20 दिन में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और कोई मानचंद बोल रहा है 10 लाख रुपए से शुरू करो। वैसे भैया आपने स्टार्ट कितने रुपए से किया था? 15 से आई स्टार्टेड, 15 बोले तो 15,000 ना। उसके बाद 2 साल में आई टर्न्ड दैट मनी इनटू 34 to 35 लाख। बढ़िया यार, 15,000 से स्टार्ट किया और 35 लाख तक अपना कैपिटल ले आया। बहुत ही कम आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे कि 15 लाख से चालू किया 35 लाख तक अपना कैपिटल ले आया 2 साल के अंदर। मुझे लगा भाई 15,000 से स्टार्टिंग किया होगा, तो 15 लाख से स्टार्टिंग किया यार। मतलब कि भैया 15 लाख से लेकर के 35 लाख तक सिर्फ 2 साल लग गए यार, तो भैया ट्रेडिंग ही क्यों कर रहे हो यार? इससे बढ़िया तो यूट्यूब पर वीडियो बना के कमा लेते इससे ज्यादा। मंथली कितना कमाते और क्या एज है? भाई 20 साल का हूँ और 2 खो के आते हैं। 2 खो के मतलब 2 करोड़। भाई साहब 2 करोड़ रुपए, बढ़िया यार। वैसे भैया मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप करते क्या हैं? ट्रेडिंग, सब ब्रोकर, रेफरल सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स, रियल एस्टेट, फार्मिंग। अच्छा सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस काम से कमाता है ये बता दो, ताकि हम भी धंधा करना सीख सके। अभी मैं फार्मिंग में बेचूंगा खीरे, खीरे के पेड़ लगाए। भाई साहब एक ट्रेडर होकर के खीरे बेच रहे हो यार, कुछ अजीब सा नहीं लगा? मर्चेंडाइज का बिजनेस है, मेरे यूट्यूब से इनकम आती है, मेरे ब्रांडिंग से इनकम आती है, एडवाइजरी देता हूँ अपने लोगों को। उसे एविएशन सेक्टर पे भी है, आपको प्राइवेट जेट्स चाहिए तो मैं आपको किसी से सोर्स करा के दूंगा, कोर्सेज है ही है मेरे। भाई ट्रेडिंग चल दिया क्या? ट्रेडिंग का नाम नहीं सुना मैंने। तुम्हें खीरे बेचकर कमा रहे हो, दूसरों के लिए जेट बुक कराकर कमीशन खा रहे हो, ऐसे कर करके 2 करोड़ रुपए प्रति माह आ रहे हैं क्या? फिर तो एक काम करो कि खीरे में नमक मिर्ची लगाकर बेचो, 3 करोड़ हो जाएगा। इसकी ट्रेडिंग में खुद कुछ ना झंडा उखड़ रहे हो, वो लोगों को ट्रेडर बनने के टिप्स दे रहा है, कोर्स सेल कर रहा है, और लोगों के पास इतना पैसे आ रहे हैं भैया की। भैया तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हें भाई ये ट्रेडर हो कि ना सेटिंग की कसम है, तुम्हें लाइक करना ही होगा। बाय द वे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी नवरात्रि, बाय।